सो हाय हाय गाइस, ये है सीपीसी लोकी पाइप। यहाँ पे लगेगा प्रेशर पंप, ये मेन वाला आ गया आरसीसी टंकी का, ये टंकी साफ करने के लिए। ये यहाँ पे प्रेशर पंप लगेगा और ये जेट पट्टी पे पाइप लगाई हुई है दो की और एक की सीपीवीसी। यहाँ से नीचे बाथरूम में जा रही है। ये आ गई हमारी चौकड़ी। और इस साइड पे टंकी की दूसरी साइड से आ रही है किचन की आउटलेट पाइप और उसके साथ ये रहा किचन का वाल। उसके साथ बाजू में वाइट पाइप है, वो है यूपीवीसी की मोटर से ऊपर जाने वाली पाइप, पानी ऊपर जाता है ना वो। और ये डेड की पाइप है, डेड में से एक का कर दिया है। ये मोटर की पाइप आ गई सबमर्सिबल की, जिससे पानी ऊपर चढ़ेगा। ये है सोलर की पाइप, जो बिजली की प्लेटें लगाते हैं ना, सोलर प्लांट वो वाली। और वो यहाँ आती है यहाँ से किचन में नीचे। और अभी हम ऊपर जाते हैं टंकी के ऊपर। यहाँ पे तो चाइना में दब गई है, ये रही पर टंकी जल्दी भर ली। और यहाँ पे लगेगा सोलर वाटर हीटर, जो गर्मी से पानी गर्म होता है वो, उसकी पाइप यहाँ पे सब बाथरूम जो नीचे है ना, तीन चार, यहाँ पे इनलेट और यहाँ पे आउटलेट की पाइप एक की छोड़ दी है। और ये जो जेड पट्टी लगाई हुई है ना, उससे ये फ़ायदा होता है कि लगाने में भी ऐसा नहीं होती है, हमें लगाने में भी मज़ा आता है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे जेड पट्टी का एक क्लैंप आता है, ये नट बोल्ट वाला आता है, जो आसानी से खुल भी जाता है और फिट भी हो जाता है। लगे कि कोई कहाँ पे, अभी तो नहीं, 10-20 साल में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से निकल के रिपेयर हो सकता है।